लीजिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू, आप अपने एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठिएगा जब आप ये क्वेश्चन को समझ रहे हों। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ एक बारी। शो डैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर दिस q इज सम इंटीजर। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले ये a जो डिविडेंड है ये खुद से लेना पड़ेगा। तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर, मैंने अभी ऑड इवन नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ इंटीजर बोल रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर बी ए। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली मैं पहले लिखता हूँ क्या लिखूंगा, वो नंबर। तो ए इज इक्वल टू, अब ध्यान रहे बी क्या होगा। बी इस क्वेश्चन में जो ये क्योंकि इस फॉर्म में ही लिखा हुआ है BQ+R, तो ये जो क्यू के साथ यहाँ पे एम हो सकता है, एन हो सकता है, क्यू हो सकता है, पी लिखा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्यू के साथ यहाँ पर फिलहाल क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू के साथ क्या लिखा हुआ है, सिक्स। तो जो बी होगा ना यहाँ पर, बी जो लिया जाएगा वो सिक्स लिया जाएगा। और ए जो मैं बोला कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट इसमें ध्यान रहे वो सिक्स या सिक्स से बड़ा होना चाहिए ए कभी भी। क्योंकि अगर आप याद हो, हम जब लेते थे अभी मैंने एससी लिया था, तो ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर भी होगा, बट उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो ए जो हम लेंगे इंटीजर तो होगा, बट वो सिक्स या सिक्स से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे लेकिन बी क्या होगा, ये क्यू का जो यहाँ पे साथ में लगा इंटीजर है वो लिया जाएगा, तो बी है सिक्स। तो मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू 6q+r। अब r के बारे में हमें क्या बोला गया है, r के बारे में बोला गया है कि r या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, बट b से छोटा होगा। तो वेयर r इज इक्वल टू, r के बारे में बता रहा हूँ, r क्या हो सकता है, r जो है वो एक्चुअल में r 0 हो सकता है, या फिर r 1 भी हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। क्या देख रहे हो भाई, 6 नहीं हो सकता, क्यों, मैंने क्या बोला हुआ है r इज लेस देन b, और b क्या था, 6 था, तो 6 से छोटा चाहिए, 6 नहीं हो सकता r। तो r हमारे पास अब 5 यही है, 0 1 2 3 4 5। तो अब जब r इज इक्वल टू 0 होगा, जब r की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 6q+0। जब r इज इक्वल टू 1 होगा तो a की वैल्यू क्या निकल आएगी, 6q+1। जब r की वैल्यू 2 होगी तो उस केस में a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q+2। जब r इज इक्वल टू 3 होगा तो क्या बनेगा, a 6q+3। जब r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 6q+4। और जब r इज इक्वल टू हो जाएगा 5, तो उस केस में क्या बनेगा, a की वैल्यू a इज इक्वल टू 6q+5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हर एक कंडीशन को अब हम चेक करेंगे, इनमें से कौन से ऑड बन सकते हैं, कौन से इवन बन सकते हैं। देखिए, अगर a इज इक्वल टू 6q+0 का मतलब 6q है, तो यहाँ पे मैं इसके अलग से जरा करके दिखाता हूँ आपको, a इज इक्वल टू 6q, तो हम इसको 6q लिख सकते हूँ मैं 2 × 3q, क्यों ऐसा लिख सकता हूँ ना, 2 × 3q, इसमें से 2 आ सकता है, ये कुछ भी हो, क्योंकि q की वैल्यू कोई भी इंटीजर है, लिखा हुआ ना इंटीजर, 0 से बड़ा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, है ना। तो q की वैल्यू इंटीजर्स हैं, इंटीजर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है, तो ये q 1 हो सकता है, 3 × 3 3 × 2 6 क्या है, 2 का डिजिट, यानी कि ये तो इवन नंबर हो गया। तो ये क्या है, ये तो इवन है। अगर मैं बोलता हूँ a इज 6q+1, ये वाला, अब यहाँ पर आप कुछ निकाल सकते हैं, कॉमन 2 नहीं निकाल सकते। तो ये क्या है, ये है, अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू कुछ भी यार, यहाँ पे आप क्योंकि वैल्यू लेते हैं, आप कहते हैं सर मैं लेता हूँ 3, तो 6 3 18 18+1 19 बन रहा है, तो ये एक और नंबर है 19 के,
तो ये है ऑड, फिर लिया मैंने ए इक्वल टू 6q+2 ये वाला पार्ट, तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस वे 2 और 3q+1। अब इनकी वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि वैल्यू 1 ले लो, 3 प्लस 1 4, 4 2 8, ये तो इवन नंबर हो गया 8, तो ये इवन है। ए इज इक्वल टू 6q+3, अब इसमें से कुछ निकाल सकते हैं आप? 2 नहीं निकल सकता, क्योंकि 2 के टेबल में 6 तो जाता है बट 3 जाता ही नहीं है, तो 2 निकल नहीं सकता। तो क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, 1 ले लो, 6 × 1 = 6, 6 + 1 = 6 + 3 = 9, 9 इज अगेन ऑड नंबर। आप क्यू की 2 ले लेते हैं, कहते नहीं यार आपने क्यू 1 ले लिया, 1 तो ऑड नंबर था, चलो 2 ले लेते हैं, तो 6 × 12 = 12 + 3 = 15, 15 अगेन ऑड नंबर है, तो ये ऑड हो रहा है। और ए इजिकल टू 6q+4 लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या बनेगा 3q+2। अब यहाँ पे फिर अगेन क्योंकि वाले कुछ भी ले लो, तो अब देखो कोई भी डिजिट हो ये, इस डिजिट के आगे अगर 2 आ गया ना मल्टीप्लाई में, तो वो अपने आप ही इवन नंबर बन गया, तो ये हो गया इवन नंबर। लास्ट है 6q+5, तो 6q+5 जो है इसके अंदर अगर आप कुछ भी कॉमन निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये क्या नंबर बनेगा, ऑड। तो अगर आप ध्यान से देखें इन्होंने क्या बोल रखा है, शो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, तो 6q+1 क्या है, ऑड है। 6q+3 ये रहा, ये भी ऑड है, और 6q+5 ये भी ऑड है, 6q+5 भी ऑड ही बन रहा था। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+1 जो है ये एक ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट ऑन दिस पार्ट।